और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? रोज की तरह तुम्हारा भाई आज भी लेकर आ गया नया ग्लिच वीडियो। तो आज गाइस रैंक पुश का ग्लिच होने वाला है, तो ऐसा 5 न्यू अमेजिंग ट्रिक्स एंड ग्लिच वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप सीधी सी पगला जाओगे गाइस। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा और चैनल पे जो नया प्रोडक्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और जो वीडियो देखते हो ना, वीडियो में एक लाइक दिया करो गाइस, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक से भाई बहुत मोटिवेट होता हो, तो इसलिए लाइक किया करो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा गाइस। हम आपको बोलेंगे जो इस पानी के अंदर आपको अलाइनमेंट सेट करना है, तो आप सेट कर पाओगे? तो इसमें से कोई बंदा बोलेगा हाँ गाइस क्यों नहीं कर पाऊंगा, इधर पे जाऊंगा लॉन्च पैड खड़ा करूंगा, उसके बाद हम करेंगे इधर पे लॉन्च पैड खड़ा करने के बाद हम इधर पे आके सीधी सी इस पर से अलाइनमेंट को मैं यूज करूंगा। पर नहीं गाइस, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो देख ही सकते हो इधर पे लॉन्च पैड खड़ा करने से अलाइनमेंट नहीं सेट होगा। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हम बोलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते जाओ शुरू से लेकर अंत तक। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को तीन वॉल का जरूरत है, पहला वॉल आपको इधर पे सेट करना होगा, सेकेंड वॉल आपको उसका ठीक साइड में जाके सेट करना होगा। तो उसका साइड में आपको जाके सेट करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पानी के अंदर चला जाना होगा, उसके बाद आपको लॉन्च पैड को खड़ा करना होगा। खड़ा करने के बाद ठीक वॉल का मिडिल पे आपको एक वॉल सेट करना होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे करते हुए आपको वॉल के ऊपर जाना होगा। उसके जाने के बाद आपको लास्ट वाला वॉल पे जाने के बाद इधर पे आप अलाइनमेंट को हाथ में लेकर सेट करोगे, तो पानी के अंदर आप आसानी से अलाइनमेंट सेट कर पाओगे। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इधर पे वॉल जितना है उसको फोड़ देना होगा। फोड़ने के बाद पूरा इधर देख ही सकते हो गाइस, देखो पानी के अंदर पूरा अलाइनमेंट है। तो गाइस ऐसे करते हुए आप कोई दोस्त को भी दिखाओगे तो वो भी एक बार में भाई आपके ऊपर हार जाएगा। भाई आप बहुत प्रो बन सकते हो ये वाला ग्लिच सीखने के बाद। तो ये वाला ट्रिक कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमको बता देना। तो आई बात नेक्स्ट वाला ट्रिक को, तब तक बने रहना मेरे भाई। तो गाइस ध्यान से देख लो, ये वाला घर जीता जीता रहे ना, ये वाला घर में सिर्फ ये वाला हिडन प्लेस वार्क करेगा। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आप लोग को इस घर के अंदर जाना है। घर के अंदर जाने के बाद ऐसे एक डिब्बा देखोगे, तो ऐसा डिब्बे के अंदर आपको क्या करना है, इधर पे आपको बैठते हुए इधर पे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको इधर पे मुक्का बनाना है, मुक्का बनाने के टाइम पे आपको क्या करना है, इधर पे लेट जाना है। तो गाइस ऐसे लेट के रहोगे तो आप इधर पे पूरा हिडन प्लेस एक मिल जाएगा। तो ये हिडन प्लेस पे आप आसानी से रैंक पुश कर सकते हो गाइस। इधर पे कोई बंदा आपको नोटिस नहीं कर पाएगा, जो इधर पे भी कोई छुपा बैठा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ब्लैक वाला ड्रेस पहनना होगा। तो ब्लैक वाला ड्रेस पे आपको इधर पे पूरा देखो इसका कलर से मैचिंग हो गया, तो इधर पे आप छुपे रख सकते हो, इधर पे कैम्प करके आसानी से रैंक बचा सकते हो गाइस। और ग्रैंड मास्टर जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा गाइस। तो ये वाला हिडन प्लेस के बारे में पहले से किसी को पता है तो भाई वो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं गाइस, और जिसको जिसको नहीं पता है जल्दी जल्दी ट्राई करके देखो। ये वाला ट्रिक को कम्प्लीट करने के लिए गाइस सबसे पहले आप लोग को नेक्स्ट टाइम पे कुछ इस वाला लोकेशन पे आ जाना है। इधर पे एक मिनी वाला लॉन्च पैड लेके मैं जैसे लॉन्च पैड को सेट कर रहा हूँ, आपको बेस्ट तरीके से इस पर लॉन्च पैड को सेट करना है। सेट करने के बाद इधर पे ऊंचाई की तरफ खींचते हुए लॉन्च पैड को आपको लेफ्ट बटन और मिनी स्क्रीन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जब दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका फोन मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद जब गेम में आ जाओगे आप सीधे से इसके अंदर आ जाओगे गाइस। इधर आने के बाद आपको एक सिंपल से हिडन वाला लोकेशन मिल जाएगा गाइस। और ये वाला ट्रिक करने से पहले एक चीज ध्यान रखना गाइस, इधर पे आ तो गए हो बट इधर से निकलने का ना कोई रास्ता नहीं है। तो आप एक चीज भी ध्यान रखना, तो इसलिए आप दोस्त को दिखाने के लिए ये चीज कर सकते हो, बट ये ग्लिच को कभी भी बियर रैंक पे मत ट्राई करना, क्योंकि बियर रैंक पे ट्राई करोगे तो इधर पे आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, आप सीधे इसका अंदर एलिमिनेट हो जाओगे। तो ये वाला ग्लिच कैसा है भाई एक बार जरूर कमेंट कर देना भाई, और ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना मेरे भाई। तो देर मत करो, जल्दी जल्दी जाओ और ये वाला ग्लिच को एक बार दोस्तों के साथ ट्राई करके देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला ट्रिक की ओर, तब तक बने रहना मेरे भाई। नहीं भाई हैकर वैकर कुछ नहीं है भाई। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप लोग को आ जाना है रीम नाम पे। रीम नाम पे आने के बाद आपका पास जरूरत है एक मिनी वाला लॉन्च पैड को, आपको लॉन्च पैड लेके इधर पे आने के बाद आपको लॉन्च पैड को सही तरीके से सेट करना है। तो मैं जैसे सेट कर रहा हूँ आपको वैसे तरीके से सेट करना है, नहीं तो ये वाला ग्लिच आपको कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको लॉन्च पैड को इधर पे सेट करना है। सेट करने के बाद ऊंचाई की तरफ लॉन्च पैड को खींचना है। खींचने के टाइम पे आपको मिनी स्क्रीन और लेफ्ट बटन दोनों के एक साथ प्रेस करोगे तो आप सीधे से जब बैक करके गेम में आ जाओगे देखो तो तब सीधे आ जाओगे इस वाला दीवारों के अंदर पे। दीवारों के अंदर पे आके आप इधर पे देखो रिवाइव पॉइंट ठीक नीचे है, तो रिवाइव पॉइंट का नीचे रह के आप आसानी से जमीन के नीचे से आप आसानी से उसको रिवाइव दे सकते हो। आपका दोस्त को रिवाइव दोगे तो वो भी इंप्रेस हो जाएगा और वो भी आपको हैकर ही बोलेगा, ऐसे हैकर वैकर ही क्या
बट आपको तो पता है भाई, ए वाला सिर्फ ग्लिच का वजह से हो रहा है, बट हैकर का तो अभी जमाना ही खत्म हो गया गाइस। तो ए वाला ग्लिच आपको कैसा लगा फटाक से कमेंट करके मेरे को बता देना। देखो इधर पे पूरा रियल देख सकते हो, मेरा इधर दोस्त मर गया था, वो अभी जिंदा हो जाएगा। तो ए वाला टिप आप भी कर सकते हो, टिप्स फॉलो करने के बाद आप भी कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो ए वाला टिप कैसा लगा, ये सही है क्या गलत है, मेरे को ये भी बोल सकते हो। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई, ऐसे करते हो दोस्त को इम्प्रेस कर सकते हो। देखो आप ऐसे करके इम्प्रेस करोगे तो दोस्त आपको खेलने के लिए जरूर लेंगे। तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके ए टिप को फॉलो करो। सबसे पहले आप लोग को ए वाला लोकेशन पे आ जाना है। ए वाला लोकेशन पे आने के बाद आपका जरूरत पड़ेगा तीन वाल को और एक ईयर डब को, आपको ईयर डब ले आना है। उसके बाद मैं जैसे वाल को सेट करो आपको वैसे तरीके से वाल को सेट करना, नहीं तो ए वाला ग्लिच आपको कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला वाल मैंने इधर पे सेट किया, सेकंड वाल इधर का, थर्ड वाल ठीक उसका ऊपर सेट करना है। ध्यान से देख लो, नहीं तो ए वाला ठीक वर्क नहीं करेगा आपको। तो उसके बाद आपको जंप करते हुए एक वाल पे जाना है, सेकंड वाल पे जाना है, बट थर्ड वाल पे नहीं जाना है। उसके बाद आपको ईयर डब को इधर पे फेंकना है। तो मैं जैसे फेंक रहा हूँ आपको वैसे तरीके से इधर पे ही फेंकना है, नहीं तो ए वाला टिक आपको कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, वापस से आप कमेंट करके उल्टा सीधा बोलोगे। तो ध्यान से देख लो, तो थोड़ा देर वेट करने के बाद फाइनली मेरा ईयर डब आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखो, उधर पे आपको जंप करना है। जंप करने के बाद और एक जंप करोगे तो सीधा आ जाओगे ईयर डब के ऊपर में। इधर पे आप बैठ सकते हो, बैठ के बाद अचानक आपका वाल इधर से हट जाएगा, तो आप पूरा हाइड हो गया इधर पे, ठीक है। कोई एनिमी आपको इधर पे छुप रहा होगा तो कोई एनिमी आपको देख भी नहीं पाएगा, और आप इधर से आसानी से बंदे को मार सकते हो गाइस। तो देख ही सकते हो इधर वाला लोकेशन, आप जरूर से एक बार आके ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मेरे को कमेंट करके बोल देना गाइस, क्योंकि देखो तुम लोग कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी तो कमेंट्स दिन चला है, जो जो कमेंट करता है उसमें से कुछ बंदे को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू करो गाइस। जो जो चैनल पे नया होना फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसा फनी वाला ग्लिच वीडियो हम रोज लेकर आता है इस चैनल पे। तो इसलिए तो भाई एक लाइक बनता है मेरे भाई। और चलो आज के लिए सबको टाटा गुड बाय।